and they found you amusing for a while. The people of this city. But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, die trying. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। और इस वीडियो का मकसद, ये वीडियो क्यों मुझे बनानी पड़ी, इनके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न है और मैं इस वीडियो में सारा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या रीज़न है और क्या वजूहत है। गाइस, तो सबसे पहले आती हैं मेरी स्ट्रगल की, जो मैंने स्ट्रगल की है यहाँ तक, जितना भी अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है, जितना मुझे नाम दिया, चाहे वो टिकटॉक से हो या इंस्टाग्राम से हो, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन ये कंटेंट पे बनाई हुई वीडियो है कि हम कैसे टॉप रैंकिंग करते हैं और कैसे हम खेलते हैं, और एक बंदा या इनमें से कुछ बंदे कब से गेम खेल रहे हैं और कब से टॉप रैंकिंग में बैठ रहे हैं और कब से ये स्ट्रगल जा रही है, जो कि किसी को नहीं पता। मतलब मैं तो यही सोचता था कि मैं कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा कि मेरी कितनी स्ट्रगल है या नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना कि ये शो करना पड़ता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि सपोर्ट हमें मिले, इसलिए ताकि लोगों को पता चले, एहसास हो जाए कि वाकई में ये इतना हार्ड होता है ना, और इतना कम से कम सपोर्ट करने के बजाय हेट नहीं मिले, ठीक, मतलब ना सपोर्ट और ना सपोर्ट ना देने की वजह से वीडियो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का प्यार है मेरे पास। लेकिन वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं कि रीज़न क्या है इन सब के, वो भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि आज से कुछ साल पहले, या जब से मैं इस कम्युनिटी में आया, तो मुझ पर कितने इल्ज़ाम लगे थे और क्या क्या ना, तो फिर उसको मैंने क्लियर करवा के ना सब कुछ करके भी सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, लाइक मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सीन इस तरह हुआ था कि पहले मैं आया था तब मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता, यूट्यूब पे मेरे सिर्फ़ और सिर्फ 20K सब्सक्राइबर थे, मैं टिकटॉक पे अपने कंटेंट पोस्ट करता था, मैं अपना चैनल शुरू करता था, जब मेरे पास आई पैड मिनी 5 था पाकिस्तान में, आई थिंक बहुत कम लोगों के पास था पहले, आज से कुछ 3 साल पहले या आप मानो 2 साल पहले। तो उस टाइम मैं अपना चैनल शुरू करता था टिकटॉक पे, मैंने शुरू किया था कि मैं पिक एंड फायर कैसे करता हूँ, और ये सारा मैंने तब कोई भी नहीं करता, बहुत कम लोग लाइक बहुत कम लोग करते थे वो से, तो उधर से मुझे सपोर्ट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो मैं लाइफ टाइम जो जितनी भी स्टोरी हो मैं अगले वीडियो में मैं डालूंगा, जो जितनी भी मेरी लाइफ टाइम की स्ट्रगल है ना वो तो मैं अलग डालूंगा, लेकिन ये फ़िलहाल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टॉप रैंकिंग पे ये वीडियो बनाई कि ये कितना हार्ड होता है। तब पहले तो मेरे पे हैक वाले बहुत ज़्यादा तनकीद लगे, सही है कि मैं हैक करूँ और मैं हैक के साथ कौन करूँ, तब तो वो मैंने लोगों को प्रूफ करवाया लाइव स्ट्रीम पे, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग पे लाइव किया पहले ही दिन पे, पहले मैं आता था 2-3 दिन बाद लाइव स्ट्रीम पे, फिर लोग बोलते थे ना कि 2-3 दिन बाद ना ना पाते हो तो आप पहले ही पता नहीं कैसे खेल लेते हो फिर आ जाते। फिर मैंने स्टार्ट किया नेक्स्ट सीज़न फुल डे 1 से, जब भी सीज़न आया हुआ था ना, जब आता था 7 बजे पाकिस्तानी 7 बजे ऑफिशियली पबजी वालों का टाइम होता है ना जब न्यू सीज़न आता है, तब मैंने पहले ही दिन से स्टार्ट किया। अभी आज तक लग मैं पहले दिन कॉन्करर और टॉप करता हूँ स्ट्रीम के साथ, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हो गया, सारे बोलते यार ग्रेट, सब लोग सपोर्ट करते रहे, बोले कि नहीं ये बंदा सही है और इसको ये वाला हेट मत, ये वाला ब्लेम क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया एक और ब्लेम आ गया कि ये बंदा खेल लेते हैं फिर ये बंदा छोड़ देते हैं। गाइस ये कितना गलत वो है ना, कितनी गलत बात है ना कि एक बंदा इतनी स्ट्रगल करता है और फिर बाद में देखो 2 मंथ का सीज़न होता है, इसमें हमारी मर्ज़ी होती है, हम एक मंथ के लिए, एक हफ्ता के लिए, एक हफ्ते में हम टॉप रैंक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अगर टॉप एंड में करो या स्टार्ट में करो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी, क्योंकि जब हम एंड में टॉप करते हैं ना, ठीक है, तो आई अप्रिशिएट वो भी होता है, लेकिन जो स्टार्ट में शुरू में लोग करते हैं वो भी हार्ड वर्क होता है, वो भी अप्रिशिएट करना बनता है। मुझे नहीं, जितने भी सारे क्रिएटर्स हैं और क्रिएटर्स नहीं हैं वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो ये हुआ मेरे पास, मुझ पर दूसरा इल्ज़ाम लगाया था ना कि आप खेल लेते तो आप छोड़ देते हो ये, हालांकि मैं छोड़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ अपने आप का ख्याल रखना होता, और ये सबसे बड़ी रीज़न है, वो मैं नेक्स्ट में अभी बताता हूँ आप लोगों को आगे वीडियो में, ठीक है।
तो मैंने सोचा मतलब क्यों करते हैं ऐसा कि मुझे इतना पम करते हो, लाइक लोग करते हैं। अभी आप लोग कह सकते हो लोगों को इग्नोर करो, लेकिन ऐसे लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इतनी मेहनत करते हो और ये बातें सामने आती हैं, ये इग्नोर वाले नहीं होते। तब मैंने प्रूव किया, मैं चौथा सीज़न है, मैं पूरा सीज़न टॉप 10 में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा सीज़न है, नहीं तो आप लोग खुद अभी जो वीडियो देख रहे जाके टॉप रैंकिंग में चेक करो, मैं 8वें नंबर पर मिडिल ईस्ट सर्वे स्कोर में बैठा हूँ, ठीक है। तो वो भी 8,000 पॉइंट्स पर सीज़न अब ले रहा हूँ हर सीज़न। और वो सब मेरा, मैं लाइक बताता हूँ आप लोगों को कैसे हम लेते हैं, कितना हार्ड होता है हमारे लिए। तो ये वाला भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। ये तब भी, अब भी ये वाला क्लियर होने के बाद भी स्टिल हेल्थ की वजह से अगर बंदा थोड़ा सा रेस्ट ले ले तो फिर ये आप कह सकते हो कि इट्स बेटर, ना कि पूरा दिन और पूरी रात गेम खेल के टॉप रैंकिंग। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप अपनी सेहत ख़राब कर लोगे, इवन कंटेंट क्रिएटर्स की, कि भाई आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और बहुत खेलते हो, थोड़ा सेहत का ख्याल रखो। और ये मैं क्यों वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, इसका सारा मतलब ये है कि गाइस हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, टॉप रैंक भी करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं, तो हमारा कुछ अलग ही है। बाकी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना इनमें से, वो टॉप रैंकिंग नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम करते हैं, फन करते हैं और रश गेम खेलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक करते हैं बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरा करते हैं, और सपोर्ट उनको मिल भी जाती है और मिल भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी दी उन लोगों को सपोर्ट, ऐसी बात नहीं है। तो फ़र्क बता रहा हूँ, लेकिन हमारा ये सीन है कि हम स्ट्रीम भी करते हैं, फिर 24 घंटे हम गेम खेल खेल के, हमारा खुद का भी ध्यान नहीं रहता कि हमारा हम कैसे हैं, किस हाल में, ना खाते हैं ना पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, ताकि हम रैंकिंग खेलें और हमें सपोर्ट मिले, वो भी स्ट्रीम को, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट की बात की ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए की, टॉप रैंकिंग पे लाइव स्ट्रीम पे की, ताकि अगर हम एक फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा इतना तो बनता है ना कि हमें सपोर्ट मिले। तो अगर हम लाइव स्ट्रीम उस तरह हम कन्वर्ट कर लें जैसे एक नॉर्मल गेमर करता है, ठीक है, वो भी हार्डवर्क करते हैं 6-6, 8-8 घंटे स्ट्रीम करके, लेकिन वो रैंकिंग वाला नहीं होता। तो मैंने इस कंटेंट को इसलिए चेंज करना था कि मैं ऐसे पागल नहीं होना चाहता मज़ीद, क्योंकि मेरी हालत सच में पहले भी बहुत ज़्यादा वो हो गया था, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता। आप लोग इनमें से कमेंट्स में कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आप क्यों करना चाहते हैं, इतना ज़रूरी तो नहीं है, तो मत करो ये वो। गाइस नहीं, ऐसा मत बोले, दिस इज़ लाइफ, लाइफ टाइम गेमर स्ट्रगल होता है, ठीक है, जो कि इस गेम में प्लेटफॉर्म है रैंकिंग का, कॉम्पिटिटिव का, जिसमें आप जाते हो, देखते हो कैसे करते हो, कौन कौन चीज़ें हार्ड हैं। तो इसलिए मैं एज अ गेमर ये कर रहा हूँ, ताकि मेरी गेमिंग, इस गेमिंग और यूट्यूब में फ्यूचर बन जाए जितना मुझसे हो सके। हालांकि यूट्यूब पे कोई भी फ्यूचर नहीं है, ये आप लोग याद रख लेना, मतलब जब कब यूट्यूबर लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने जो मेन टॉपिक है तो बस यही, ताकि हम जो है, मैं कंटेंट मैं पहले ही दिनों में सिर्फ टॉप और कॉन्करर लाइक पहले दिनों में करूँगा, इस सीज़न जब आने वाला है शायद इस सीज़न में टॉप 1 भी दोबारा से वैसे ही करूँ आप लोगों के लिए, मैं करूँगा एक बार, लेकिन इससे उसमें मैं अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा जो आएगा तो मज़ीद हेल्थ ख़राब नहीं कर सकता, और मैं ऐसी लाइफ स्ट्रीम करूँ इंशाल्लाह, जितना सपोर्ट आप लोगों से मुझे मिलेगा बग़ैर रैंक की भी आप लोग मुझे स्ट्रीम पर सपोर्ट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे इस बंदे ने बहुत प्यारा मारा मुझे लास्ट में।